नमस्कार ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है बच्चों हम हिंदी के बारे में जो हिंदी व्याकरण में हम समाज के बारे में पढ़ रहे थे उसकी अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था समास किसे कहते हैं तथा तो कितने प्रकार के होते हैं और इसके कितने भेद होते हैं तो हमने पिछले वीडियो में समास पढ़ा था समस पद किसे कहते हैं समास किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं तो आज हम इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे छह प्रकार के थे तत्पुरुष समाज कर्मधारय समाज अविभाव समाज द्वंद्व समाज बहुब्री समाज तो आगे हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे कि तत्पुरुष समाज क्या होता है इसकी पहचान कैसे होती है तत्पुरुष समाज तत्पुरुष समाज में समाज में उत्तर पद तत्पुर समाज में इसका उत्तर पद प्रधान होता है हमने पूब पद और उत्तर पद के बारे में पहले पढ़ा था तो तत्पुरुष की जो पहचान है तत्पुरुष समाज की उसका जो उत्तर पद होता है उसका प्रधान पद होता है तथा इसके तथा इसके विग्रह करने पर विग्रह करने पर कारक चिन का लोप हो जाता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं जैसे जैसे राज पुत्र यह हमारा समस्पद है अगर हम इसका विग्रह करते हैं अलग करते हैं इसे तो इसको हम लिखेंगे राजा का का पुत्र पुत्र यानी कि कि राजा का पुत्र। तो बच्चों मैंने बोला था इसका जो उत्तर पद है यानी कि पुत्र उत्तर मतलब बाद का पद प्रधान होता है यानी कि पुत्र के बारे में बात की जा रही है राजा के बारे में बात नहीं की जा रही है प्रधान पद इसलिए पुत्र हो गया क्योंकि राजा का पुत्र राजा के पुत्र के बारे में बात की जा रही है इसलिए इसका उत्तर पद जो है प्रधान हो गया है वहाँ पे और मैंने इसमें बोला था कि इसमें कारक चिन्ह का लोप हो जाता है लोप यानी कि गायब हो जाना जैसे इसमें आपने कारक कारक के बारे में पढ़ा है कर्ता ने कर्म को करण से ये हमारे आठ कारक हैं तो इसका जो कारक चिन्ह है यानी कि का इसमें लोप हो जाता है इसमें कारक चिन्ह का लोप हो रहा है राजा का पुत्र यानी कि राजपुत्र इसलिए इसकी पहचान है तत्पुरुष समास की दूसरा है रसोई घर जैसे रसोई घर तो इसका बिगरे करेंगे हम तो बनेगा रसोई के लिए घर तो इसमें भी हमारा कारक चिन्ह का लोप हो रहा है के लिए रसोई के लिए घर पुस्त तीसरा है एक और उदाहरण देते हैं पुस्तकालय पुस्तकालय यानी कि पुस्तक का का आलय यानी कि पुस्तक के लिए घर जिसमें हम पुस्तकालय रखते हैं ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो हम तत्पुरुष समास की जिससे हम पहचान करते हैं नंबर दो द्वंद समास द्वंद समास द्वंद्व समास यानी कि एक सिंपल है द्वंद्व यानी कि बराबर यानि कि एक द्वंद्व का मतलब होता है युद्ध लेकिन हम इसको युद्ध नहीं बल्कि इसको हम इसको पहचानेंगे द्वंद्व समास होता है द्वंद्व समास में द्वंद्व समास में दोनों पद दोनों पद प्रधान होते हैं प्रधान मतलब यानी कि बराबर उसे हम द्वंद समास कहते हैं जैसे जैसे दाल रोटी यानी कि दाल और रोटी सुबह शाम या इसमें एक योजक चिन्ह आता है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जिसमें योजक चिन्ह होता है और सामने बिगड़े करके अथवा और एवं आता है उसे हम द्वंद समास कहते हैं जैसे सुबह और शाम आगे लिखते हैं दिन रात यानी कि दिन और रात इसमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं इसमें एक दूसरा तरीका आप भी अपना सकते हैं कि हमेशा इसमें जिसमें योजक चिन्ह लगा होता है बीच में से दिन रात सुबह शाम दाल और रोटी जब हम इसका बिघरे करते हैं तो इसका हमेशा बिघरे करने पर अपोजिट वर्ड होता है जैसे सुबह का शाम दिन का रात बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिससे माध्यम से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं तीसरा है हमारा दिगु समास दिगु समास जिसमें प्रथम पद संख्यावाचक हो हो उसे हम दिगु समास कहते हैं जैसे जैसे तिरंगा तिरंगा इसका विग्रह करेंगे तीन रंगों का समाहार तीन रंगों का समाहार बच्चे हमने इसमें जिसमें प्रथम पद संख्यावाचक हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं जैसे तिरंगा यानी कि तीन इसका प्रथम जो पद है इसमें तीन आ रहा है तीन यानी कि संख्या तो उसे हम दिगो समास कहेंगे दूसरा चौमासा चौमासा यानी कि चार मासों का समाहार चार मासों का समाहार इसमें तीन चार प्रथम जो है संख्यावाचक आ रहे तो ये दिगु समास कहते हैं चौराहा या चौराहा चार राहों का चार राहों का समाहार और इसमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण आते हैं जिसमें कि तीन चार जैसे नवरात्र नौ नवरात्रों नौ का समाहार बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो कि संख्यावाचक में होते हैं उसे हम दिगु समास कहते हैं ये हमने इसमें समास में टोटल छः प्रकार के होते हैं तत्पुरुष समाज कर्मधार्य समाज दिघु समाज बहुबरी समाज अविभाव समास, 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 समास। तो तीन के बारे में हमने भी विस्तार से जाना समास किसे कहते हैं समाज कितने प्रकार के होते हैं और उसको अलग अलग विस्तार से हमने इसकी कोशिश करेंगे पढ़ने की और अगले वीडियो में हम इस तीन समास का जो बहुबरी समास है कर्मधारे समास है और अभिभाव समास के बारे में पढ़ेंगे और बच्चों से मेरा निवेदन है कि साथ साथ इस होमवर्क को अपने फेयरबुक में करते जाएं और साथ साथ लर्न करते जाएं किसी में कोई डाउट हो तो मुझसे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं थैंक यू